हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दानियाल सुहेल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यार आज हम एक बहुत ज़बरदस्त काम करने लगे, तो मैंने सोचा कि एक मज़ेदार किस्म का व्लॉग भी बनाते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सारा जो गार्डन एरिया है ना, ये सारे पौधे जितने भी लगे हुए हैं ये मेरे दादा बू ने लगाए हुए हैं, लेकिन आज हम ज़रा यहाँ पर ज़रा थोड़ी ना चीज़ें ठीक करने लगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कुछ मामला ख़राब हैं। क्या ख़राब हैं वो भी हम आपको बताते हैं। तो आज हम लोग बहुत ज़बरदस्त काम करेंगे, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाते हैं, ज़बरदस्त आपको दिखाते भी हैं, और ये जो हमारा गार्डन एरिया है इसको ज़रा चेंज करते हैं, ठीक है। हाँ ये मैं लगाऊंगा। हाँ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। या बेसिकली हमने आज जो करना है ना उसके मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये जो नीचे थड़ा है ये ख़त्म करेंगे, ये पौधे जो आगे लगे हुए ये ख़त्म करेंगे, बिल्कुल जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आए। पीछे उन्होंने वो एक थरा सा बनाया हुआ है, मैं तो उसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी दादा बू को ज़रा मनाना पड़ेगा आराम से, ठीक है। अभी ज़रा काम शुरू हो जाए फिर इसको ज़रा थोड़ा ठीक करते हैं। उन्हें पौधों का शौक़ तो है लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा ही लगा लिए। तो अभी जो है वो कुछ गमले चाहिए, वो हम लेने जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर से पौधे उठेंगे वो गमलों में लगेंगे और गमले जो हैं वो हम ऊपर टेरेस वगैरह पे रख लेंगे। तो अभी मैं चलता हूँ कुछ गमले खरीदने। मुझे यहाँ पे ये वाले गमले जो है ना वो पसंद आए थे, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 700 रुपये के ये गमले मिलेंगे, ठीक है। मैंने इनको कहा 500 लगाए, लेकिन कह रहे हैं भाई आपने नहीं लेने। भाई मैं तो लेने आया हूँ, आप सबको मैंने बता भी दिया है, काम शुरू करने लगे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना गमलों की बात नहीं बन रही। आगे चलते हैं, देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। सलट को भाई जान, कोई है? किसी की आवाज़ नहीं आई। आइए आगे चलते हैं। यार यहाँ पे ना पूरी लाइन है ये नर्सरीज की। आउच, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं शायद हमें गमले शमले मिल जाए, ना मिले तो फिर वापस सुनी भाईजान के पास मजबूरन हमें जाना पड़ेगा। यहाँ पे लग रहा है कि इनके पास कुछ है, गमले शमले भी नज़र आ रहे हैं। आइए यहाँ पे चलते हैं। ये वाला जो है ना हमें मिल रहा है कितने का था? 600। ये 600 का है और ये वाला 800 का है। मैंने इन्हें कहा 500 लगाए मुनासिब है, आपने क्या कहा? 550 नहीं, 550 लाल लगा लेंगे, 500 लगाएं फाइनल करें। नहीं 500, 500 ठीक है यार, आप भी बताएं 500 ठीक है ना। ये वाले जो आप देख रहे हैं ना ये साइज़ के, ये हमें इन्होंने दे दिए 500 में, और ये जो इसके नीचे हैं इनके पास क्योंकि 5 ही हैं, हमें 7 चाहिए था, तो नीचे वाले जो है ना इन्होंने हमें 300 रुपये में दे दिए। तो यानी कि यहाँ पर हमारी बात बन गई। अभी जो है ना वो भाई नंबर लिखवा के लाए हैं, नंबर जो है ना वो उर्दू में आता नहीं है। वापस आए और यहाँ पे काम शाम जो है वो शुरू हो चुका है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और अभी जो है ना इसको सही करते हैं, ठीक है, काम करते हैं। ये मेरा कज़न है, कैमरे को देख के हाथ हिला रहे हैं, चलेंगे। ये गमले शमले जो हैं वो सारे आ चुके हैं, ठीक है। बाहर भी जो है ना वो हमने तोड़ दिया, अंदर खड़ा है, अंदर पड़ा है, ये सारा टूट गया, अभी बस इसको ज़रा सही करते हैं सारा। अच्छा तो यार मेरी हालत आप लोग देख ही रहे हैं, तो अभी यहाँ पर ये चल रहा है कि अभी वो तो सब उठ गया, ये मिट्टी मुट्टी यहाँ से उठा रहे हैं, ये जितनी भी लाइन आपको पौधों की नज़र आ रही है ये भी क्लियर करा देंगे। गमले ऊपर आ गए, अपने ऊपर रखे हैं, तो ये सारे पौधे वहाँ पर शिफ्ट करेंगे, और मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वही यूट्यूब की वीडियो है? वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब की। यूट्यूब पे भेजेगा? हाँ जी, ये सारे पौधे जो हैं दादा बू ने खुद लगाए हैं। लेटर जेड़ा उन्होंने का लेटर भी भेजी ना, ये लेटर ठीक है, उन्होंने लेटर भेजा था वो भी लगा देंगे। लेटर भी 2 नंबरी का सही है। अच्छा जी, तो अभी जो है ना टाइम तकरीबन 3 बज रहे हैं और यहाँ पर जो है ना सारी सफाई सफुई चल रही है। मैंने समझा दिया करना कि अभी सारे पौधे पौधे उठा देंगे। ये है कि मैंने ऑफिस जाना है तो मैं अभी निकल रहा हूँ, और
इंशाल्लाह वापस आऊँगा तो सारा कुछ हो जाएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे कि क्या जो है ना वो लुक निकलती है जिस तरह से अभी मैं चाह रहा हूँ। अभी प्रॉपर उस तरह से तो नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम इसको ज़रा थोड़ा सेट वेट कराएंगे और फिर कुछ दिन बाद दोबारा सेट वेट करवा लेंगे, तो फिर आप देखिएगा। ठीक है, तो अभी ऑफिस चलते हैं और मैंने गाड़ी अभी दी हुई थी सर्विस के लिए, वहाँ पर चलते हैं, पहले गाड़ी वहाँ से पिक करते हैं। आप लोग कमेंट में बताएं कि मुझे किस टाइम ब्लॉग अपलोड करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि रात को करूँ सुबह करूँ, या कौन सा टाइम ऐसा है जिस टाइम आप लोग ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो मुझे एक टाइम बताएं ताकि हम एक टाइम फिक्स कर लें, उस टाइम पे ब्लॉग आया करें। तो लाजमी कमेंट्स में आप बताएं। सो लेट्स गो। अच्छा तो यार मैं ऑफिस जा रहा हूँ और आज मैंने ऑफिस जाके जो है ना वो, अच्छा जी तो ऑफिस से फ्री होके मैं जो हूँ वो PRP करवाने के लिए आया था। मेरे बाल छाल आप देख रहे हैं और ये हैं डॉक्टर रिजवान सर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप लोग कैसे हैं? ये मेरे से पूछे हैं लोगों से। अच्छा, तो आप लोग कमेंट में बता दें कि आप कैसे हैं। मुझे बहुत से लोग जो हैं वो मैसेज करके पूछ रहे थे PRP रिजल्ट्स के हवाले से कि रिजल्ट कैसा आया, तो मैं आज आया हुआ था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर ही मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। पहले बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा था लेकिन अब ठीक है। मेरा थर्ड सेशन है और आप लोगों के भी अगर ये इश्यूज हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या यहाँ पे करवा सकते हैं? यहाँ पे आप फेस PRP करा सकते हैं, माइक्रो नीडलिंग करवा सकते हैं, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन करवा सकते हैं, ग्लूटाथायोन ड्रिप्स लगवा सकते हैं और हाइड्रोफेशियल ले सकते हैं, लेजर हेयर रिमूवल ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रीटमेंट्स हैं, आप विजिट करके फिर आ सकते हैं। मतलब कि बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल सकती हैं, आप यहाँ पर आएँ और अपना ट्रीटमेंट ईजिली करवा सकते हैं। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, तो आप लोग भी इन चलाएंगे तो आप लोग भी सेटिस्फाई होंगे। लोकेशन अगर मैं बताऊं तो एमएम आलम में GNC प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे इनका क्लिनिक मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी डाल दूंगा इनके पेज का, आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। और बाकी मेरे बाल सही हो जाएंगे ना? बाल हो तो वैसे हो तो गए हैं बाकी, अभी एक सेशन और हम करेंगे ना, एक सेशन और करेंगे जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म जो है वो रिजल्ट हैं। ओके चलें, थैंक यू। अभी हम घर जाएंगे और वहाँ पर बाकी जाके बातें करेंगे। बाय बाय जी। तो व्यूअर्स, आपने वो जो सारा ब्लॉग देखा था वो मैंने बहुत दिन पहले रिकॉर्ड किया था। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्लानिंग चल रही थी वो सब कुछ दरमियान में रह गया था। आप ये देख सकते हैं कि बस वो आगे से हमने जो है ना वो थरा ख़त्म कर दिया था और थोड़े से पौधे जो है वो उतार दिए थे, लेकिन दादा बुने सारे पौधे जो है ना वो नहीं उतारे क्योंकि वो कहते हैं कि फिर अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे ही है दादा बू? क्या वो आपने सारे क्यों नहीं उतारे थे? सारे इसी तरह ये खूबसूरत है, अच्छे लगते हैं। ऐसे अच्छा लग रहा है? ऐसे अच्छा लग रहा है। चलें जी, दादा बू को ऐसे ही अच्छा लग रहा है तो ऐसे ही रहेगा। तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखा दें और ब्लॉग अपलोड कर दें। तो भी ये आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मना लेंगे प्यार से और वो मान भी जाएंगे, तो फिर हम इसको ज़रा अच्छा सा और कर देंगे इंशाल्लाह किसी दिन। तो ये था मेरा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बता दें कि ठीक है आप, ठीक है ना।